हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल उड़ीसा ब्लॉगर सोनी। और आज मैं आप लोगों के साथ एक विलेज स्टाइल का एक डिश शेयर करने वाली हूँ, जो पाम का है, जो ताल बोलते हैं, पाम PALM पाम, वही आप लोग देख सकते हो, ये पक्का वाला है। तो आप कच्चा वाला खाते हो या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन हम लोग भी कच्चा वाला खाते हैं। और आज मैं पाम से ना एक बढ़िया डिश बनाऊंगी, जो केक आप लोग क्या बोलते हो, केक तो शायद बोलते हो, और मैं वही डिश आज बनाऊंगी आप लोगों के साथ, बिल्कुल विलेज स्टाइल की, गांव में जैसे बनाते हैं उसी तरह। तो चलो, अभी तो मम्मी इसको छिलका उसका निकाल रही है, मम्मी ही बना रही है आज, मैं सिर्फ देख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। मुझे भी आती है लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ आज, मम्मी ही आज बना रही है। मुझे थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मी ने बोला चलो मैं ही बना लेती हूँ आज, मैं तुम रहने दो मैं बनाती हूँ। तो मम्मी ने देखो यहाँ पर सारे जो छिलका निकाल कर थोड़ा पानी डाला था, पानी में इसको भिगोने से ना बहुत जल्द बहुत फास्ट ना निकल जाती है उसका जो रस, लेकिन मम्मी का टाइम नहीं था तो भिगोया नहीं, इसी तरह निचोड़ निचोड़ कर इसका रस निकाल रही है। तो मम्मी वहाँ कर रही है तो मैं यहाँ पर आके चावल फ्राई कर रही हूँ। चावल को फ्राई करके बनाओ तो बहुत सॉफ्ट बनता है, और पाम का जो रस है ना वो तो बहुत सॉफ्ट है, और इससे चावल फ्राई करके थोड़ा सा फ्राई करके बनाओ ना तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा हाफ इसको ना बिल्कुल फ्राई ब्राउन जैसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस कितना फ्राई करती हूँ, लगभग 5 से 10 मिनट। देखो हो गया मेरा फ्राई, मैंने 1 किलो चावल यहाँ फ्राई किया हुआ है, और मम्मी का भी यहाँ सारा रस निकल चुका है। और मैंने उसको फ्राई करने के बाद ला के यहाँ कपड़े से फैन के नीचे रख दिया उसको ठंडा करने से, ठंडा करने के लिए। और ठंडे होने के बाद मैं यहाँ एक मिक्सी ले रही हूँ, और मिक्सी में इसको आधा आधा देख के ना मैं इसको ग्राइंड करूँगी, मिक्सी में पीस लूँगी, तो बिल्कुल पाउडर नहीं बनना है, चावल हमारा पाउडर ही नहीं बनेगा, दर दरा जैसे रावा होती है ना, रावा से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, देखो रावा से बड़ा वाला रावा से थोड़ा बड़ा होना चाहिए सूजी के लिए, तो हमारा जो केक ना बहुत सॉफ्ट टेस्टी बनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा पीस लिया है मिक्सी में, और पीसने के बाद रहने दो। अभी यहाँ पर मम्मी ने जो रस निकला था उसको मैंने मम्मी ने चूल्हे पर बैठा दिया है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा कड़वा होती है, जो पाम होती है ना पाम में थोड़ा कड़वा होती है, उसको निकालना है। जब हम लोग चूल्हे पे बैठाएंगे तो उसका देखो ऐसे बबल्स है ना वो ऊपर आ जाएगा, वो सारा बहुत कड़वा है, वो बबल्स उसमें रह जाएगी तो बिल्कुल कड़वा कर देगा हमारा जो केक बनाएंगे, जितना भी आप शक्कर और गुड़ डालो वो टेस्ट नहीं बनता है, वो सारा ना बनता है कर देता है कड़वा, इसलिए जितना भी बबल्स आए ना वो सबको निकाल देना चाहिए। अभी तो मम्मी ने सारा बबल्स निकल चुका है और कड़वा, और उसमें डाल देंगे, मैंने यहाँ सूखा वाला नारियल लिया है, टेस्टी है बहुत, सूखा वाला नारियल डाल देंगे, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर और ग्रीन कड़ामम जो होती है क्या ग्रीन इलायची है उसका पाउडर, और तेज़पत्ता छोटा छोटा टुकड़े में, तो नहीं तो बड़ा बड़ा रखेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, क्योंकि हमें मीठा डालना है तो इसके लिए आप थोड़ा सा नमक ही डालना। और उसके बाद मम्मी ने यहाँ 1 किलो चावल लिया था, और पाम में मिठास भी है, और उसी की नाप से ना मम्मी ने यहाँ 750 ग्राम गुड़ लिया है, तो बहुत टेस्टी बनेगा। आप लोग चाहो तो थोड़ा मीठ, इसमें ना 750 देने से ना ज़्यादा मीठा होता है, तो बच्चे को खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग चाहो तो थोड़ा कम भी कर सकते हो, 1/2 किलो भी कर सकती हो, 500 ग्राम,
और सब मेल्ट हो जाने के बाद ना यहाँ डाल देंगे चावल का जो पाउडर हम बनाए थे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह, नहीं तो उसमें ना गुठलियाँ रह जाएंगी। वो डालते रहो, और जैसे हम लोग क्या जोरावा का उपमा बनाते हैं या कुछ बनाते हैं ना इस तरह, वो गुठलियाँ रह जाती है। देखो ये हो गया है हमारा, थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है मम्मी ने, और चावल भी उसमें जा सकता है लेकिन मम्मी ने डाला नहीं। वो सारा हो जाने के बाद ना मम्मी यहाँ पर के क्या ये सिल्वर का है, एल्युमिनियम का, उसमें छन्नी बोलते हैं, छन्नी में मम्मी ने यहाँ रख दिया है केले के पत्ता, जो पुराना वाला केले का पत्ता। और केले के पत्ते में रखने से ना जो नीचे बैठाएगी अब चूल्हे पे तो जलेगा नहीं हमारा केक, केले पत्ता दे देने से। पत्ता 5-7 कोट कर लेना ताकि हमारा केक बिल्कुल भी ना जले। हम आग चूल्हे पे बैठाएंगे ना, चूल्हे पे हो या गैस पे, जहाँ पर भी बैठा हो, लेकिन केले का पत्ता दे देने से ना जलेगा नहीं। इसको भी कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा था तो कुकर में हमारा नहीं होगा। और ये चूल्हे पर ना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत एक खुशबू, अच्छा सा खुशबू आता है उसमें। मम्मी यहाँ पर देखो, फिर ऊपर में भी उसका जो केले का पत्ता दे दिया, उसके बाद देखो नीचे आग है और केले के पत्ते के ऊपर भी आग। यहाँ देखो मम्मी ने दोनों तरफ ऊपर और नीचे आग दे दिया, फिर भी देगा ऊपर में, और बहुत दे देने के बाद इसको रख देगा रात भर, और ओवरनाइट रहने के बाद देखो हमारा केक बन चुका है। मम्मी यहाँ कट कर रही है, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा देखो कटिंग थोड़ा पत्ता का कम हो गया था तो थोड़ा सा लग गया है, और कितना सॉफ्ट बना है। मम्मी को चाकू से कट करना थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर भी कट कर रहा है, कट हाथ कट जाएगा इसलिए उसको डर लगता है। और ये ना बहुत टेस्टी बना है, मेरा बेटा श्रीनू ने ना इसको टेस्ट भी कर लिया है और बहुत टेस्टी है। फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।